महाराज शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बड़ी नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य हो। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका, जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निरापरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य सताना जताना नहीं आता, आधिपत्य कैसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप, वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं उसमें भी प्रबल, जिनका नाम मात्र पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का सातवां दिन, जब नारी छह दिन तक काम ना करे, सातवां दिन रजस्वला धर्म का सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3-4-5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाए पक्का, विश्वास रखकर शिव जी का नाम ले, तुमरुका का स्मरण कर, ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला दो, 5 दिए लगा दो, और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिंगोकर केसर के पानी में केसरिया कर पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिंगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के बाद रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, बस फिर बाबा पे सौंप देना, जितनी शिवरात्रियां आती जाएंगी उतना धन बढ़ता चले जाएगा, बाबा पर सौंप संपूर्ण जी। इतने उपाय हैं और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं, नीचे उतरने के बाद हमें कोई मतलब ही नहीं, हम क्या बोले ना बोले हमें उससे मतलब नहीं, ये व्यासपीठ श्री सुखदेव जी की है, यह व्यासपीठ श्री व्यास जी महाराज की है, यह व्यासपीठ श्री सूत जी महाराज की है, और यह व्यासपीठ इन सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव की है, जिन्होंने अमर गुफा में अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई थी। बाकी के तो सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, ये सब बात के, पर सबसे पहला वक्ता मेरा शिव है,
तो ये शंकर की गादी पे से जो निकल गया, शंकर की गादी पे से जो बोल दिया, बस उसका अनुभव आप करो और कर कर जरूर देखना, उसका अनुभव कर कर। सुबह 6:42 पर इंदौर से किसी बहन का फोन था, रोते हुए आया था। आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा समीर जी के मोबाइल। 6:42 पे फोन आया था और रोते हुए फोन आया था कि मेरा एक ही लड़का है और वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। रात को 1:30 से मैं 1:30 से परेशान हो रही हूँ, फोन पर फोन लगा रही हूँ, रात को कोई उठाया नहीं, सुबह तक लगा कर देख रही हूँ। 6:42 पर फोन, प्रयास रहता है सब उठाते हैं, रात को सब सो गए, सुबह लेट नींद खुली, हम ही हाथ में फोन आ गया और हमने उठा लिया। हमने कहा बहन क्या बात है, बच्चा वेंटिलेटर पर है, उपाय करा कोई सा, डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहा है। बच्चे के कपड़े हैं घर में, है पुराना कपड़ा है जो पहनता हो रोज डेली में, कोई लोवर टी शर्ट कुछ ऐसा? हाँ है। बस उस कपड़े को रख, एक कलश में अच्छा पानी भर ले और उसी में दूध डालकर बेलपत्री डालकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। 11:30 दोपहर में फोन था, वेंटिलेटर हट चुका है और बालक स्वस्थ हो गया। करना आपको है, हम तो केवल बता सकते हैं, और वो भी ये शिव महापुराण में जो लिखा होगा, स्कंद पुराण में जो दिया होगा, इन पुराणों में जो होगा वो बताना है, इससे हटकर कुछ नहीं। ऐसी फालतू बातें ढेर सारी तो बताने वाले ढेर सारे पड़े, पत्रिका दिखाने जाओ तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओ, ये पाइप बदल दो, ये कमरा बदल दो, ये जगह बदल दो, किसी के कोई के पास भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। और यहां से तो केवल ना कोई भभूति है, ना कोई हमारे पास में जल है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई बाबा जोगी है, हमारे पास में तो ये शिव महापुराण है। इसमें जो बाबा ने लिख दिया, शंकर जो कर दिया, कह दिया, बोल दिया, बस उसी का स्मरण आप कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो दुनिया का दुख हरने वाला आपके दुख भी हर लेगा, इतना विश्वास रखता हूं। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना सुंदर कहती है कि आप किसी मंदिर में, शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, शंकर जी के मंदिर में अगर अर्चना चल रही है, उपासना चल रही है, पूजन चल रही है, अगर मालूम पड़े शिव के मंदिर में आज त्योहार वाला दिन है, सावन का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, भगवान के तो सभी भगत आएंगे, हजारों लोग आएंगे। भाई सास अगर बीमार है तो मिलने तो बहन बेटी भी आएगी, कोई भी आएगा, भले तुम्हारा लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, आएंगे तो सब ना, नहीं आएंगे तो लोग कह देंगे बताओ अम्मा बीमार पड़ी रही और जीजी एक दिन देखने नहीं आई, बोलो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सावन का सोमवार, शिवरात्रि का दिन अगर कोई शंकर के मंदिर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, बताओ आज शिवरात्रि के दिन घर में पड़ी हुई है, भगवान के मंदिर नहीं गई, कितना बुरा लगेगा। घर में सास बीमार पड़ी रहे और नंदों से कितनी भी लड़ाई हो, भाभियों से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो, अगर एक नहीं आए ना, अभी देवरानी देखने नहीं आए तो जेठानी आग लगाने में पीछे नहीं हटेगी, देख लो सास ने पूरा भर दिया, एक दिन देखने नहीं आई, देख लो। अरे बोलो तो, जितने ऑनलाइन सुन रहे हो सही है कि गलत है, तुरंत कहेगी। और शंकर भगवान की आराधना कोई तो निवेदन है, जिस दिन भगवान शंकर का उत्सव हो, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, श्रावण का महीना, जिस दिन भगवान के यहाँ उत्सव हो, निवेदन हो, उस दिन सब दर्शन करना चाहेंगे, सब मिलना चाहेंगे। पर कुछ लोग 1,000, 2,000, 5,000 की रसीद कटवा के शंकर जी के आसपास ऐसे बैठ जाते हैं कि इनके बाप की जागीर है, दर्शन भी नहीं करने देते, पानी तक नहीं चढ़ाने देते, उधर दिख नहीं रहा अनुष्ठान चल रहा, दिख नहीं रहा सेवा चल रही है,
शंकर भगवान पार्वती जी बोली, बाहर लोग खड़े हैं। शंकर भगवान बोले, अपन तो खुद इनके 2000 में पड़े हैं, बैठे रहो। बिक गए 4000 में, 2000 में, 5000 में। मंदिर में भगवान को बेचना नहीं है। फिर कहूंगा, कुआं, बावड़ी, तालाब और भगवान, गुरु, संत, साधु सबके लिए होता है, किसी एक का नहीं। अर्चना करना है, आप एक कोने में बैठ जाओ, मट्टी का शिवलिंग बना लो। उज्जैन गए होगे, काशी गए होगे, वहां पर अंदर ले जाकर तो थोड़ा सा जल चढ़वा दे।